राधे राधे जी। तो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ आलू मेथी की, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इसके लिए हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे सरसों तेल, तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें रखेंगे जीरा कटी हुई, हम लहसुन डालेंगे, कटे हुए हरी मिर्च और थोड़ा सा हींग डालकर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम एक बड़ा सा आलू को हम टुकड़ा टुकड़ा काट के इसे हम डाल के भूनेंगे अच्छे से। यहाँ पे आलू को 2 मिनट तक पकाना है, जब तक पक नहीं जाए तब तक हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आलू जो है 80% तक यहाँ पे पक चुकी है। इसके बाद हम सूखे मसाले, धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, मिर्ची पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के यहाँ पे हम बारीक कटे हुए मेथी जो है वो हमने काट लिए थे और उसे भी हम डाल देंगे और मसाले के साथ हम अच्छे से इसे भूनेंगे। 2-3 मिनट तक इसे हम भूनेंगे क्योंकि आलू जो है हमारी पहले से ही अच्छे से पकी हुई है, तो यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको। भूनते भूनते ही आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी दिखेगी और बहुत ही इसका लाजवाब सा स्वाद आता है। तो आप लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इसके बाद सब्ज़ी बन चुकी है, तो हमने चुटकी भर क्या किया है ना कि गरम मसाला ऊपर से थोड़ा सा छिड़क दिया है। और रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।